ये वाले बर्गर्स हैं, ये मेरे पास बर्गर्स हैं, और ये आपको ये भी हाइपर सास से लाहौर से मिल जाएंगे। आपके जहां भी आप रहते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इंडिया, वट एवर, कैनेडा में भी बहुत से लोग जो हैं मुझे देखते हैं, तो उन लोगों को अवेलेबल जो हैं ये कहीं भी अच्छे से स्टोर से मिल जाएंगे। ऑल दो आप इसको जो है अगर घर बनाना चाहते हैं तो आप घर भी बना सकते हैं। और अभी हम लोग इन बर्गर्स के साथ बहुत ही यूनिक और मजेदार किस्म की रेसिपीज बनाएंगे, और किस तरह से इसको जो है डेकोरेट किया जा सकता है और किस तरह से खाया जा सकता है। सबसे पहले जो है हम जो बनाने वाले हैं डिश, उसको हमने इसको यहां से खाली करना है। इसको सबसे पहले हमें यहां से इस तरह से तो इसका इंग्रेडिएंट है मेन हमारे पास कीरी, क्रीम चीज आपको अवेलेबल होगी और बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। तकरीबन मैं एक ले रही हूँ ये क्रीम चीज का, और इसके अलावा सिंपल मोज़रेला चीज, मोज़रेला डाल लेंगे हम लोग इसमें। ये हमने रखे थे टमाटोज चॉप किया हुआ, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्मोक्ड हमने चिकन रखा हुआ है पास में, चिकन डाल देंगे इसमें। अलावा हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसको हम चॉप कर लेंगे अभी इसी तरह से। कुछ हम लोग जूलिन कटिंग ही डाल देंगे इसमें, थोड़ी सी हम इसमें प्याज बिल्कुल दो तीन स्लाइसेस इस तरह से ये डाल दिए। इसमें हम ऑलिव्स डाल लेते हैं, ये कुछ अभी इसमें हमने ये ऑलिव्स डालनी है कि जो मैंने इसमें ये डाली है चीजें, ये आप अगर जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इसमें चिकन निकाल दें और बाकी सारी चीजें जो है इसको एज इट इज इस्तेमाल करें, बहुत आसान है, आपको हर स्टोर से आसानी से अवेलेबल होंगी। अब हम इसको चम्मच के साथ जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसकी और भी बहुत एक अच्छी रेसिपी है क्रीम चीज के साथ, इसमें इसकी फिलिंग करेंगे कुछ इस तरह से, कोशिश करें ये टूटने ना पाए, आप इसको छुरी के साथ ही लगाएं क्योंकि छुरी जो है उसका आगे से मुंह थोड़ा पतला होता है, तो आप इसको इस तरह से ही। उसी ब्रेड को जो है बटर लगा के उसके टॉप पे, उस पर थोड़ी मोज़रेला चीज डाली, थोड़ा चॉप्ड टोमेटोज और कैप्सिकम लगा दी थी, शिमला मिर्च और टमाटर, और उसको मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए जो है बेक किया था। अभी ये बेक सीकिंग से मैंने ओवन से बाहर निकाला है, आप इसके लुक देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है श्रेड की। अब आप ये देखें इसको कितना इसका डिलीशियस किस्म का जो है अंदर से इसका इनर पार्ट आपको नजर आ रहा है। आप ऐसा कीजिएगा, आप इसको थोड़ी देर अगर आप तकरीबन 5 मिनट भी करेंगे ना, तो इसकी जो अंदर वाला एरिया है, अगर आप मोज़रेला चीज ज्यादा डालेंगे तो आपकी उसकी लेयर्स मोज़रेला की बाहर नजर आएंगी, लेकिन हमने एक उसको समअप क्वांटिटी के अंदर डाला था, इसलिए आप इसको देख सकते हैं कि इसकी अंदर से लुक कितनी जबरदस्त आ रही है और बाहर से भी। आप इसके इसी तरह से चंक्स काट कर सर्व कर सकते हैं, आप इसको किसी भी